नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। राजद के लिए और लालू परिवार के लिए आज का दिन बेहद बड़ा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष रहे तेजस्वी यादव अब से बिहार के डिप्टी सीएम होंगे, यानी कि पदवी बदल गई और सरकार भी बदल गई। आपने देखा कि कैसे आठवीं बार नीतीश कुमार ने बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, वहीं दूसरी बार तेजस्वी यादव ने भी शपथ ली है और उनके शपथ ग्रहण समारोह में उनकी माँ राबड़ी देवी, भाई तेज प्रताप यादव के अलावे उनकी धर्मपत्नी राजश्री यादव भी मौजूद रही। आप जरा ये वीडियो देखिए कि किस अंदाज में तेजस्वी यादव ने शपथ ग्रहण किया है और फिर कैसा नजारा रहा, कैसा माहौल रहा।
तो आपने देखा तेजस्वी यादव ने शपथ ग्रहण कर लिया बिहार के डिप्टी सीएम के तौर पर। दूसरी बार उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। सब कुछ पहले जैसा ही है जैसा पहली बार हुआ था, लेकिन ख़ास बात ये कि इस बार उनकी पत्नी राजश्री यादव, उनकी लेडी लक, उनके साथ रही, वहाँ पर ताली बजाकर उनका अभिवादन कर रही थी राजश्री यादव। इसके अलावा आपने देखा कि ओथ लेने के तुरंत ही बाद तेजस्वी यादव आगे बढ़े। पहले उन्होंने राज्यपाल फागू चौहान को प्रणाम किया, नमस्कार किया, उसके बाद वो सीधा आगे बढ़े और जिन्हें वो चाचा कहते हैं यानी कि नीतीश कुमार, उनके उन्होंने पैर छुए, आशीर्वाद लिया। और नीतीश कुमार ने भी तुरंत ही तेजस्वी यादव को बिना देर किए हुए आशीर्वाद दिया और फिर जाकर दोनों गले मिले और नए महागठबंधन की जो खूबसूरत तस्वीर है वो निकल कर सामने आई। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ साथ बड़े ही सालों के बाद इस अंदाज में नजर आए। तो आपने पूरी की पूरी तस्वीर देखी, पूरा का पूरा नज़ारा देखा कि कैसे तेजस्वी यादव ने शपथ ग्रहण किया, ओथ ले ली। उसके बाद उनके स्वागत के लिए राजद के लोग जो हैं लंबे समय से इंतज़ार भी कर रहे हैं और आरजेडी खेमे में कुछ ज़्यादा ही खुशी है सरकार में वापसी करने की, क्योंकि बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा तेजस्वी यादव और उनकी पूरी टीम को, पूरी राजद को सरकार में वापसी करने के लिए। लेकिन जब वो क्षण आ गया है तो खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।